नमस्कार किसान भाइयों, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से हूँ और आज ग्वालियर में बहुत ज़्यादा काफ़ी बारिश हुई जिससे आलू की फसल पर बहुत नुकसान होगा। जैसे देख सकते हैं आप, ये आलू के जोरे भर चुके हैं। जो कि पहले बुवाई हुई थी उसमें जाना मतलब नुकसान नहीं होगा, जो अभी ताज़ी बुवाई हुई ना अभी एक दो दिन चार दिन के अंदर, तो उसमें क्या आलू सड़ जाएगा। तो ये देखें, ये तो हमारा करीब ये हमने 27-28 लगाया था, ये तो मतलब अभी जो यानी एक महीने का होने वाला है ये आलू, और इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर मतलब तब भी इसमें पालरा इसका लूट जाता है, ज़मीन से मिल जाता है। देख सकते हैं ये ज़मीन से मिल गया, हवा के कारण पानी के कारण ये ज़मीन से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये ग्वालियर के MP मतलब मैं MP के ग्वालियर ज़िले से हूँ, हमारे यहाँ पर सबसे पहले आलू की वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के कई इलाकों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक यानी आज और कल साउथ गुजरात के सूरत, वडोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड और नवसारी डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश होगी और कल सामान्य बारिश रहेगी। हालाँकि ये बिन मौसम बारिश है। मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बारिश गुजरात के साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में हो रही है। सौराष्ट्र में भावनगर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। इस वक्त हम सूरत भरूच हाईवे पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की जो है शुरुआत जो है वो हो चुकी है और विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो है। मौसम विभाग ने एहतियात के तौर पर कोस्टल इलाके हैं उस इलाकों के मछुआरों को समंदर में ना जाने की भी चेतावनी दी है, क्योंकि दो दिन भारी बारिश होगी। आपको बता दूं कि अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच और सूरत ज़िले में जो है वो बारिश की शुरुआत हो चुकी है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। हालांकि ये बिन मौसम बारिश है जिसके कारण जो है वो गुजरात के जो किसान है वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उनकी जो किसानी है उन्होंने जो बीज बोए हैं वो काफ़ी नष्ट हो जाएंगे। और ये देखिए बारिश जो है वो कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन था उस हिसाब से सूरत और वलसाड़ के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। एहतियात के तौर पर NDRF की टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है।